मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक के 23 अध्याय को समाप्त किया, जिसमें हमने सारा की मृत्यु और दफनाने के लिए भूमि का खरीदा जाना आदि विषय पर विचार किया था। इसके साथ साथ हमने अध्याय 24 के परिचय को भी देखा था कि किस प्रकार यह अध्याय महत्वपूर्ण है, और इस अध्याय में हम इसहाक के लिए दुल्हन को लाने के लिए सेवक को भेजना और सेवक के साथ रिबका का आने के लिए तैयार होना आदि विषयों पर हम विचार करेंगे। तो आइए हम इस अध्याय के पहले पद को पढ़कर इस अध्ययन का आरंभ करें। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका पहला पद लिखा है, इब्राहिम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीषित किया था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत हो गई थी और परमेश्वर ने उसे हर प्रकार से आशीषित किया था। और अब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के लिए पुत्रवधू चाहता है, परंतु वह अपने बेटे के लिए कनानियों में से बहू नहीं चाहता है, जहाँ लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए उसने एक सेवक को अपने लोगों के बीच में हारान को भेजा ताकि वह इसहाक के लिए एक दुल्हन ले आए। तो आइए हम अगले पद को पढ़ें। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका दूसरा पद, इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से, जो उसकी समस्त संपत्ति का भंडारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि उन दिनों में कसम खाने का यही एक तरीका था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर नहीं उठाया और न ही अपने हाथ को बाइबल के ऊपर रखा। उनके पास आरंभ करने के लिए बाइबल भी नहीं थी। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कसम खाने के लिए किसी बाइबल के ऊपर अपना हाथ रखें कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलने की इच्छा रखता है तो वह अपना हाथ बाइबल पर या अन्य धार्मिक पुस्तकों पर भी रखकर झूठ बोल सकता है। उन दिनों में नियम था कि जो व्यक्ति कसम खाता है वह अपना हाथ जिसके लिए वह कसम खाता है उसके जांघ के नीचे रखे, और समझता हूँ कि यह सेवक इलियाजर था। वह इब्राहिम के घर में सबसे पुराना और मुख्य सेवक था और उसके पास एक पुत्र भी था। मित्रों, थोड़ा याद कीजिए, उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इब्राहिम ने परमेश्वर के ध्यान को इलियाजर की ओर लगाया था, जिससे इब्राहिम अपना वंश चलाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और मैं तुझे यहोवा अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की शपथ खिलाता हूँ कि जिन कनानियों के मध्य में मैं रहता हूँ उनकी बेटियों में से मेरे बेटे के लिए तू कोई पत्नी नहीं चुनेगा। मेरे प्रिय मसीही मित्रों और माता पिताओं, यदि आपके घर में कोई लड़का या लड़की शादी के योग्य हो गई है या हो गया है, तो आप प्रार्थना करें कि वह कोई कनानी यानी अन्य जाति में से विवाह ना कर ले। वे आज भी इस संसार में हैं और हमारे जवानों के लिए हमेशा खतरा है जो विवाह के योग्य हो गए हैं कि कहीं उन्हें विवाह ना कर लें। यदि वे ऐसा करते हैं तो जैसा कि किसी ने कहा है कि वे अपने ससुर के लिए दुष्टता को लाने जा रहे हैं और उनके साथ वे हमेशा ही समस्या में रहेंगे या दिन बिताएंगे। मित्रों, हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 4 से 6 पद में पढ़ते हैं, पर तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों में जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा। तब उस सेवक ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में वापस ले जाना पड़ेगा जहाँ से तू आया था? इब्राहिम ने उससे कहा, सावधान, तू मेरे पुत्र को वहाँ वापस ना ले जाना। मित्रों, इब्राहिम के सेवक ने इब्राहिम से कहा, मान लीजिए कि मुझे दुल्हन नहीं मिलती है जो मेरे साथ यहाँ इस देश में आए, तो क्या मैं यहाँ वापस आकर इसहाक को उस देश में ले जाऊँ? और इब्राहिम कहते हैं, कभी भी भूल से भी इसहाक को उस देश में ना ले जाना। मित्रों, यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम रहें, किसी भी कीमत में इसहाक को उस देश में या उस जगह में ना ले जाना। यह हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे देखें। मित्रों, उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे मेरे पिता के घर और जन्मभूमि से निकाला और जिसने शपथ खाकर मुझसे कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा और तू वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी लाना।
मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में इब्राहिम एक विश्वासी व्यक्ति था। वह अपने विश्वास का प्रदर्शन बार बार करता है और यहाँ पर वह एक प्रभावपूर्ण व्यक्ति है। वह अपने सेवक से कहता है कि तुम परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहना कि वह तेरी अगुवाई करे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे यह प्रतिज्ञा की है। इब्राहिम अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहा है। विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, यह परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और यह आश्चर्यपूर्ण होगा। वह ठीक है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपके पास कुछ लिखित रूप में परमेश्वर की ओर से है? इब्राहिम ने हमेशा ही इसे लिखित रूप में मांगा और उसके पास परमेश्वर की लिखित प्रतिज्ञाएं थी। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी। इब्राहिम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मेरे वंश इसहाक से, अर्थात वह पूरे संसार को आशीषित करने जा रहे हैं। इसलिए तू इस बात का निश्चय कर ले कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए वहाँ एक दुल्हन रखा है। यहाँ पर आप देखिए कि इब्राहिम परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन पर निर्भर करते हैं। इसलिए आज मुझे और आपको मूर्ख बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास मूर्खता नहीं है। यह किसी चीज़ पर निर्भर रहता है, यह हमेशा ही कारणप्रद है, यह कभी भी अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, या आपके जीवन के साथ शर्त लगाने वाली बात नहीं है कि यह नहीं तो वह अवश्य पूरी होगी। यह कोई जुआ भी नहीं है, यह एक निश्चित वस्तु या बात है। विश्वास वास्तविक और निश्चित चीज है और इब्राहिम को उसका भरोसा है। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु यदि वह स्त्री तेरे पीछे आना ना चाहे, तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि वापस ना ले जाना। मित्रों, इब्राहिम कहता है कि सावधान, तू मेरे पुत्र को वहाँ भूल से भी वापस ना ले जाना, और यदि वह स्त्री तेरे पीछे आना ना चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? मैं समझता हूँ कि इसका अर्थ है, शायद इब्राहिम यह कहता है कि परमेश्वर का तरीका दूसरा है इस कार्य को पूरा करने के लिए। मैं यह नहीं जानता है कि वह कौन सा तरीका होगा, लेकिन इतना मुझे पक्का मालूम है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे का विवाह किसी अविश्वासी या परमेश्वर को न जानने वाली स्त्री से हो। मेरे प्रिय मित्र, यही विश्वास है। विश्वास परमेश्वर के वचन पर कार्य करना है, अर्थात उस पर चलना है। विश्वास किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, और सिर्फ विश्वास ही नहीं, ऐसा सोचना धर्मनिष्ठ मूर्खता है कि कुछ करने के लिए आप परमेश्वर पर दबाव डालें। क्योंकि आप विश्वास करते हैं, इसलिए उसे आपके लिए कुछ करना ही होगा। मित्रों, कुछ वर्षों से मैं एक चर्म रोग की बीमारी से पीड़ित हुआ, और जितना अधिक चंगाई प्राप्ति की आशा मैं रखता हूँ, शायद ही कोई रखता हो। आप मुझसे यह न कहें कि मैं विश्वास द्वारा चंगाई नहीं मानता, मैं मानता हूँ। जो भी हो, मुझे कहा गया कि मैं परमेश्वर पर दबाव डालूं, यदि मैं मांग करूंगा तो वह मुझे ठीक कर देंगे। लेकिन मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन जो भी उसकी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वही मुझ में पूरी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने निवेदनों को उसके पास लाएं, और सिर्फ वही है जो यह निर्णय लेता है कि कैसे वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। इब्राहिम के पास कुछ है जिस पर वह निर्भर है। वह परमेश्वर से कुछ भी मांग नहीं कर रहा है। वह कहता है, यदि इस तरीके से यह कार्य सफल नहीं होता है तो परमेश्वर दूसरे तरीके से इस कार्य को सफल बनाएंगे। मित्रों, हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, अतएव उस सेवक ने अपना हाथ अपने स्वामी इब्राहिम के जांघ के नीचे रखकर इस बात की उससे शपथ खाई। मित्रों, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सेवक अपने कार्य के लिए निकल पड़ता है, और अब आगे देखिए कि सेवक इसहाक के लिए पत्नी लाने कैसे जाता है। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तब उस सेवक ने अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट लिए तथा अपने स्वामी की सर्वोत्तम वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुएं लेकर प्रस्थान किया, और वह उठकर मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर को गया। मित्रों, इस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यह मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह के जन्म के समय सिर्फ 3 ज्योतिषी अर्थात मंजूसी ही नहीं आए थे जो ऊँटों पर थे। इतने कम ज्योतिषियों से नगर में रौनक नहीं आ गई। मेरा विश्वास है कि उस समय 300 ज्योतिषी और 300 ऊँट थे जिन्होंने नगर में रौनक पैदा कर दी थी।
पवित्र शास्त्र में इसे स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें संख्या भी नहीं बताई गई है कि कितने ज्योतिषी आए थे। सिर्फ इतना कहा गया है कि तीन प्रकार के तोहफे या इनाम थे, लेकिन यह इनाम स्पष्ट नहीं करता है कि सिर्फ तीन ही ज्योतिषी थे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक सेवक जो मेसोपोटामिया जा रहा है कि अपने स्वामी के बेटे के लिए दुल्हन लाए, अपने साथ 10 ऊँटों को लेकर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ऊँटों को चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए वह अपने साथ सेवकों के परिजनों को भी साथ लेकर गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वह समस्त संपत्ति का भंडारी था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सभी जानवरों और सभी संपत्ति पर जो इब्राहिम का था भंडारी था। वही इब्राहिम के संपत्ति का मैनेजर था। अब उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जब स्त्रियां जल भरने को आती थी। मित्रों, हो सकता है कि यह आपको अटपटा सा लगे कि स्त्रियां संध्या को पानी भरने के लिए कुएं पर आती थी, लेकिन उन दिनों में स्त्रियां ही पशुओं अर्थात ऊँटों को पानी पिलाया करती थी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में स्त्रियाँ बहुत काम करती थी आज की तुलना में। मैं यहाँ पर शारीरिक परिश्रम के बारे में बातें कर रहा हूँ। स्त्रियाँ ही थी जो पशुओं को पानी पिलाती व उनकी देखभाल किया करती थी। पुरुष वर्ग अपने व्यापार और अन्य तरह के कामों में व्यस्त रहते थे। किसी कारणवश वे हमेशा भोजन के समय भी उपलब्ध नहीं होते थे। परंतु यह रुचिदायक बात है कि उन दिनों में यह प्रथा थी कि स्त्रियाँ बाहर जाकर कुएं से पानी भरती थी। यह सेवक कुएं के पास इंतजार कर रहा था क्योंकि वह एक अजनबी था और किसी दूसरे नगर में स्वयं से पानी निकालना उसे उचित नहीं लग रहा था क्योंकि वहां के स्थायी लोग वहां पर थे। मित्रों, यह सेवक परमेश्वर पर निर्भर था क्योंकि इब्राहिम ने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया और अब उसका सेवक भी वही करता है। हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा, हे यहोवा मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरा कार्य सफल कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर कृपा दृष्टि कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की पुत्रियाँ जल भरने को आ रही हैं। अब ऐसा हो कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा उतार कि मैं पानी पी सकूँ और वह यह उत्तर दे, ले पी ले और बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए ठहराया है और इसी से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा दृष्टि की है। मित्रों, सेवक की प्रार्थना कुछ इस प्रकार थी, नगरवासियों की पुत्रियां जल भरने को आ रही हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं किसे चुनूं और सब कुछ मेरे ऊपर में छोड़ दिया गया है कि मैं किसी एक को चुनूं। मेरी प्रार्थना है मैं जिसे चुनूं वही आपकी ओर से भी चुनी हुई हो। दूसरे शब्दों में कहें कि वह परमेश्वर को पुकारता है कि वह उसकी अगुवाई करे कि वह एक सही चुनाव कर सके। मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि वह किसको चुनेगा? जी हाँ, वह एक पुरुष है, इसलिए वह उन स्त्रियों में से जो सबसे सुंदर होगी उसी को चुनेगा। और आप एक बात से निश्चित हो जाइए कि रेबेका बहुत सुंदर दिखने वाली स्त्री थी। प्यूरिटन समूह के लोगों का मानना था कि यह सुंदरता शैतान की ओर से होती है क्योंकि शैतान सुंदर है, वह ज्योति का दूत है, परंतु उसके पास ज्योति नहीं है। आखिर परमेश्वर ही है जो सृष्टि करता है। आपने डूबते सूरज और सुंदर फूलों को देखा है, यदि परमेश्वर उनकी सृष्टि नहीं करते तो आप उन्हें नहीं देख पाते। वही स्त्रियों को सुंदर बनाता और उसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह सेवक सबसे सुंदर स्त्री को चुनने जा रहा है जो अभी कुएं पर आने वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सचमुच में यह उस दास के लिए अफसोस की बात होगी। तो आइए देखें कि आगे क्या होता है। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह यह कह ही रहा था तभी इब्राहिम के भाई नाहोर से उत्पन्न मिल्का के पुत्र बतुएल की पुत्री रिबका अपने कांधे पर घड़ा लिए हुए वहाँ आ गई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष ने उसको नहीं जाना था। वह नीचे उतरी और सोते में अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि रिबका दिखने में सुंदर थी और मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वह दिखने में सुंदर थी और यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज मुझे देख के बुरा लगता है कि फिल्मी दुनिया, थिएटर और शैतान को सुंदरता मिलती है।
मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर को भी उसमें सुंदरता मिलनी चाहिए। उसने आरंभ करने के लिए उसे बनाया और एक सुंदर और सुशील व्यक्ति को जब वो इस्तेमाल करता है तब उसमें कोई गलत नहीं है। मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि आज प्रभु अपनी सेवकाई के लिए अच्छे और सुंदर दिखने वाले स्त्री और पुरुष को बुलाए। और वह दिखने में अति सुंदर थी। वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह कुंवारी थी और वह किसी भी पुरुष को नहीं जानती थी। यह उसकी विशेषता थी। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 17 से 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब वह दास उससे मिलने के लिए दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने घड़े में से थोड़ा पानी पिला दे। और वह बोली, हे मेरे स्वामी पी ले। और उसने फुर्ती से अपने हाथ पर घड़ा उतार कर उसे पीने को दिया। जब वह उसे पानी पिला चुकी तो उसने कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भरती रहूँगी जब तक वे पी न चुके। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिबका बहुत ही सुसभ्य और नम्र स्वभाव की लड़की थी। वह अति सुंदर थी, गूंगी नहीं थी और वह बहुत ही नम्र थी। उत्पत्ति 24 उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह फुर्ती से अपने घड़े को पानी की हौदी में खाली करके पानी भरने के लिए कुएं के पास दौड़ पड़ी और उसने उसके सब ऊँटों के लिए पानी भरा। मित्रों, इस बात को याद करें कि वहाँ 10 ऊँट थे और मुझे नहीं पता रिबका को उन्हें पानी पिलाने में कितना समय लगा होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कब उन्होंने घर से चलते समय पानी पिया था। तो रिबका का ऊँटों को पानी पिलाना मानो कार के रेडिएटर में पानी भरने के समान था। मित्रों, हम आगे उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, इसी बीच वह पुरुष यह जानने के लिए कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं, चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। इब्राहिम का सेवक वहां पर आश्चर्यचकित खड़ा रहा। वह यह आश्चर्य कर रहा था कि क्या यही है, क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं या नहीं। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तब हम उत्पत्ति 24 उसके 22 से 24 पद को पढ़ते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब ऊँट पानी पी चुके तो उस पुरुष ने आधे शेकेल वजन के सोने का एक नत और 10 शेकेल वजन के सोने के 2 कंगन उसके हाथों के लिए निकाले और कहा, तू किसकी पुत्री है, मुझे बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे ठहरने के लिए जगह है। उसने उससे कहा, मैं नाहोर द्वारा उत्पन्न मिल्का के पुत्र बतुएल की पुत्री हूँ और नाहोर इब्राहिम का भाई था। आगे उसने कहा, उत्पत्ति 24 उसके 25 और 26 पद में, फिर उसने उससे कहा, हमारे पास बहुत घास फूस व चारा और ठहरने के लिए जगह है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर प्रभु यहोवा को दंडवत किया। मित्रों, यहाँ पर सेवक ने महसूस कर लिया कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर उसकी अगुवाई और दिशा निर्देशन कर रहे हैं। क्या यह ऐसा नहीं है? उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, उसने कहा, मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर प्रभु यहोवा धन्य है जिसने मेरे स्वामी के प्रति अपनी कृपा दृष्टि व सच्चाई को त्याग नहीं दिया है। मार्ग में मेरी अगुवाई भी करके यहोवा ने मुझे मेरे स्वामी के भाइयों के घर पहुँचा दिया है। मित्रों, यहाँ पर यह एक महान वक्तव्य है कि मार्ग में मेरी अगुवाई यहोवा ने की। जो मार्ग में है परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, उनकी जो उसके मार्ग में होते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, वे उसके द्वारा अगुवाई प्राप्त करेंगे और जो वह चाहता है पूरा हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा रखने वालों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर सदैव तैयार रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करे? उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घराने को ये बातें कह सुनाई। रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबान था। लाबान सोते पर उस पुरुष के पास दौड़ा। मैं यहीं पर आपके ध्यान को उसके भाई लाबान की ओर लगाए रखने की चेतावनी देता हूँ। इस समय से लेकर आगे तक आप इस पर अवश्य ध्यान रखें, वह इन आभूषणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अब आगे देखें कि क्या होता है। उत्पत्ति 24 उसके 30 पद में, उसने तो उस नत को और अपनी बहन की कलाइयों में कंगनों को देखा था और अपनी बहन रिबका की इन बातों को सुना था कि उस पुरुष ने मुझसे यह सब बातें कही है। तो वह उस पुरुष के पास गया और देखो, वह सोते के समीप ऊँटों के पास खड़ा था। मित्रों, सेवक कुएं के पास खड़ा था यह देखने के लिए कि कोई रिबका के घर से उसके पास उसे लेने के लिए आता है या नहीं।
या वास्तव में उसका स्वागत होगा भी या नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, जब लबान ने उस सोने के कंगनों को देखा तो वह समझ गया कि यह कोई अमीर या धनी मेहमान है, इसलिए लबान उसके साथ बातचीत करने से चूकना नहीं चाहता था। मित्रों, यदि आपको संदेह होता है तो आप अवश्य ही बाद में याकूब से पूछ लीजिएगा। याकूब को यह मालूम हो गया था कि मामा लबान वास्तव में एक व्यापारी है, यहाँ तक कि याकूब से अच्छा व्यापारी। इसलिए लबान उस सेवक का स्वागत करने के लिए बाहर गया और आगे हम देखते हैं कि बेतुएल के घर में सेवक का स्वागत किया गया। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, और उसने कहा, हे यहोवा के धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने तो तेरे लिए घर और ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर रखा है। मित्रों, लबान ने भी इस सत्य को स्वीकार किया कि एक जीवित परमेश्वर है जो रचयिता और एक परमेश्वर है। आगे हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं, तब वह पुरुष घर के भीतर गया, लबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें चारा व भूसा दिया तथा उस पुरुष और उन लोगों के लिए जो उसके साथ थे पैर धोने के लिए जल दिया। मित्रों, हम यहाँ पर फिर से पैर धोने की विधि को पाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सेवक के साथ कुछ और लोग भी आए हैं, लेकिन लबान चाहता है कि इस सेवक की देखभाल राजसी तरीके से अर्थात उचित रीति से हो, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब हम आगे देखते हैं कि सेवक अपने आने के उद्देश्य को उनके सामने रखते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक अद्भुत तस्वीर मसीह और कलीसिया के संबंध में देखने को मिलती है। यहाँ पर अलंकार शब्द का प्रयोग किया गया है जो नए नियम की कलीसिया है, जो एक दिन यीशु मसीह की दुल्हन बनेगी। इसी रीति से आज कलीसियाएँ जीती जा रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से, जिसे पिता और पुत्र ने इस संसार में भेजा है। यह परमेश्वर का आत्मा है, जैसे इब्राहिम का सेवक किसी दूसरे के बारे में बातें करने के लिए आया है, इसी प्रकार मसीह के चीज़ों को लेकर उन्हें हमें दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। जिस प्रकार यह सेवक इसहाक के लिए पत्नी या दुल्हन लेने के लिए आया है, उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा इस संसार में मसीह के दुल्हन को बुलाने के लिए व तैयार करने के लिए आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक अद्भुत नाटकीय प्रभाव हमारे सामने रखा गया है, यह उन दिनों की एक उत्साहित करने वाली कहानी है जिसे लिखित रूप में सुरक्षित कर रखा गया है। मित्रों, अब हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 33 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, पर जब उसके सम्मुख भोजन परोसा गया तो उसने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक कि मैं अपने अभिप्राय को ना बता दूँ। उसने उससे कहा, कहे जा। इब्राहिम के सेवक ने कहा, इससे पहले कि मैं भोजन खाऊँ, मैं अपने अभिप्राय को बताना चाहता हूँ। यह भी पवित्र आत्मा का एक चरित्र है जो इस पृथ्वी पर दूसरे के बारे में बताने के लिए आया है। जहाँ तक परमेश्वर की बात है या उसकी पहली प्राथमिकता है, मैं यह जानता हूँ कि इसके अलावा भी और बहुत से कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारे सरकार के काम, समाचार प्रसारण करने वालों का काम, निगम का काम, मोटर और जहाज की कंपनियों का काम, ये सब काम जरूरी कामों में से हैं। परंतु परमेश्वर इस विषय पर संसार के साथ निरंतर बात नहीं कर रहे हैं। सरकार व साधारण कंपनियों के कारण से जितने भी शेयर बाजार और बड़े उद्योग, उनका स्वर्ग में कोई महत्व नहीं है। परंतु जो महत्वपूर्ण है वह है कि सुसमाचार संसार में लोगों तक पहुँचे, और यही चिंता परमेश्वर की प्राथमिकता है। पवित्र आत्मा इस संसार में पहले इसी को पूरा करने के लिए है। इब्राहिम का सेवक खाना नहीं खाएगा जब तक कि वह अपने अभिप्राय को न कह दे। मित्रों, इसलिए वे लोग उसे कहने के लिए कहते हैं। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, मैं इब्राहिम का सेवक हूँ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि सेवक का नाम नहीं आया है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 13 से 15 पद में पाते हैं। अच्छा, जो भी हो, पवित्र आत्मा का क्या नाम है? जी, उसका कोई नाम नहीं है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, वह जो कुछ सुनता है वही कहता है, अर्थात वह दूसरे के बारे में कहता है और वह मसीह है। उसी प्रकार यहाँ पर सेवक का भी नाम नहीं आया है, परंतु यहाँ पर साधारण तरीके से कहा गया है कि यह इब्राहिम का सेवक था।